आज ओडिशा आसुछन्ती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम ओडिशार प्राणकेन्द्र रे जनतांक सह सीधा सड़क संवाद करिवे। प्रधानमंत्री निज शासन कालर द्वितीय पाळीर शेष बजेट उपस्थापन परे प्रथम थर मोदी करिवे जनसभा को संबोधन। एथर बजेट रे प्रतिफलित होईछि देश को बड़ अर्थनीति करिवाने मोदी सरकारक संकल्प। महिला गरीब कृषक और युवक समाज रे चारि प्रमुख स्तंभ पर रहिछि प्रधानमंत्रीक फोकस। ओडिशावासी को आह्वान देवे कौन 24 निर्वाचन पूर्व देश को की वार्ता देवे प्रधानमंत्री ताप रही समस्त नजर। प्राय 400 कोटी टंका व्यय निर्मित आईआईएम संबलपुर कैंपस रो उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री मोदी। एहा सहित 68,000 कोटी टंका अधिक मूल्य विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिवाकु जाउछन्ती प्रधानमंत्री। 3 वर्ष तले कोविड समय रे मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए आईआईएम संबलपुर नूतन कैंपस रो शिलान्यास करथिले। सेबडे बीजेपी सरकार जो प्रकल्प आरंभ करे से प्रकल्प को लोकार्पण करे बोली कहिछन्ती केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। राज्य रे रेल जातीय राजपथ शक्ति पेट्रोलियम अनेक प्रकल्प सहित झारसुगुड़ा मुख्य डाकघर ऐतिह भवन को आज राष्ट्र उद्देश्य से उत्सर्ग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। नव सर्जनम सुचिता समावेश तत्व यानी इनोवेशन इंटीग्रिटी और इंक्लूसिवनेस आपको इस मंत्र की ताकत के साथ देश को अपनी मैनेजमेंट स्किल दिखानी है। आपको नए निर्माण को तो प्रोत्साहित करना ही है, सभी के समावेश पर भी जोर देना है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है उसे भी साथ लेना है। आईआईएम कैंपस रे 68,000 कोटी टंकार प्रकल्प लोकार्पण कार्यारंभ परे प्रधानमंत्री आसीबे ऐतिहासिक संबलपुर सहर रेमेड पड़िया रे गोटे राजनीतिक सभा रे उद्बोधन देवे। 2024 मसीहार साधारण निर्वाचन पूर्वरु अंतिम बजेट रो तुरंत परे प्रथम जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधन करिवा पई संबलपुर आसछन्ते। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।